मेरे को जाना पड़ेगा। हाय एवरीवन, एक नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ छतरपुर का बेस्ट दुर्गा पूजा पंडाल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और वैसे मेरा पहले एक ब्लॉग आया था जिसमें मैंने पांच ही दुर्गा पूजा पंडाल को कवर किया था, क्योंकि उस समय दुर्गा पूजा का जो पंडाल था उतना अच्छा से नहीं बन पाया था। लेकिन अब जो है लगभग 90% जो है दुर्गा पूजा का पंडाल बन चुका है है। और आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को छतरपुर के अगल बगल और छतरपुर में जितने भी दुर्गा पूजा का पंडाल रखा जाता है, दुर्गा जी का रखा जाता है प्रतिमा, वो सारे पंडाल को आप लोगों को कवर करवाने वाला हूँ। और स्टार्ट हम लोग अपने घर से ही करेंगे, क्योंकि हमारे घर के पास ही में ठाकुरबाड़ी मंदिर है, तो यहीं पे दुर्गा पूजा का पंडाल काफी भव्य बनाया जाता है। तो यहां से शुरुआत करेंगे और यहां से होते हुए हम लोग खाटिन जाएंगे, मननपुर जाएंगे, मसिहानी जाएंगे, रामगढ़ जाएंगे, और जितने भी छतरपुर के अगल बगल दुर्गा पूजा का जो पंडाल रखा जाता है वो सारे पंडाल को कवर करने वाले हैं। तो ब्लॉग में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। जब हम लोग फर्स्ट में बाजार पर ही आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे कलश उठने वाला था, इसके चलते यहाँ आए हैं। तो दिखाते हैं आप लोगों का पूजा पंडाल यहाँ पे कैसा है। चलिए अंदर आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए इस टाइप का सजावट है यहाँ पे, अच्छा दिख रहा है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं अभी तो बाजा वगैरह बज रहा है। इधर देखिए इस टाइप का डेकोरेशन यहाँ पे किया हुआ है। सामने में देखिए गणेश जी, बड़ा सा गणेश जी का कितना बड़ा विशाल प्रतिमा। सामने में दो ठो तोप रखा हुआ है, इधर भी तोप है, इधर भी तोप है। बाकी अभी यहाँ पे कलश उठना है, थोड़ा भी समय है, तो आपको पंडाल घुमा रहे हैं आप लोगों को। तो पंडाल के अंदर ले चलते हैं, दिखाते हैं कैसा है। लगभग 90% बन गया है, 95%। ये इसका मेन गेट उस साइड से आउट है, इधर से एंट्री हम लोग करते हैं। देखते हैं यहाँ पे जो बड़ा बना हुआ है उसको भी बंद किया गया, कल या परसों खुलेगा। इससे हम लोग एंटर करेंगे, दिखाते हैं आप लोगों का अंदर का माहौल क्या है। देखिए पूरा पहाड़ का बनाया हुआ है, पहाड़ में सारे देवी देवताओं को देखिए यहाँ पे रखा गया। और यहाँ पे देखिए माँ काली दिखे, काफी बड़ा दिख रहा है, हम लोग मोबाइल पे देख रहे हैं इसीलिए छोटा दिख रहा होगा, लेकिन बहुत हेवी है। और इस साइड में इधर देखिए, तो गाइस यही है यहाँ का पूरा पंडाल, जो कि देख लीजिए आप लोगों को। आप लोगों को नौवीं में आइएगा ना, काफी अच्छा लगेगा। लगभग पूरा ये कम्प्लीट हो गया है। और देखिए कितना बड़ा बप्पा जी है यहाँ पे, तोप के साथ में यहाँ पे है ना, तोप ही है। तो और ऊपर में देखिए कुछ इस टाइप का, ये भी अच्छा लग रहा है। और ये जो है एरिया इसका काफ़ी ज़्यादा है, इसके चलते इसको स्पेस भी ज़्यादा मिल जाता है सजाने वगैरह के लिए। और इस टाइप का देखिए यहाँ का सजावट है, हरा भरा दिख रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा हरा भरा देख के। चल गए, जब हम लोग चलते हैं फुलवारी ग्राउंड में, जो कि यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे है फुलवारी ग्राउंड, तो वहीं पे आप लोगों को चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों से और दिखाते हैं यहाँ का क्या है पंडाल और डेकोरेशन वगैरह कैसा है, टोटल चीज़ आप लोगों को दिखाते हैं। ये फुलवारी ग्राउंड का देखिए डेकोरेशन कैसा किया हुआ है। अभी तो उतना कोई खास नहीं लग रहा है डेकोरेशन, लेकिन धीरे धीरे अभी हो रहा है डेकोरेशन। देखिए यहाँ से देखिए किस टाइप का बना हुआ है, ये भी अच्छा लग रहा है। नहीं वहाँ से तो अच्छा यही लग रहा है यार, वहाँ तो बहुत कम सजावट है, पूरा बहुत भयानक कर दिया है, मतलब वहाँ तक है। वहाँ क्या बोलते हैं झाली उली लटका दिया है ज़्यादा, और यहाँ पे मैंने सिंपल जो रखा है ना उसके चलते अच्छा दिख रहा है। देखिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है, इसका भी सजावट काफ़ी है, ये भी अच्छा ही रहता है यहाँ का भी पंडाल। नहीं शक्ति संघ के द्वारा यहाँ पे पंडाल बनाया जाता है, ये भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे देखिए वाटर एक्टिविटी जो किया जाता है ना उसके चलते ये काफ़ी अच्छा लगता है। इसका इधर देखिए वाटर एक्टिविटी के लिए बनाया जा रहा है। और सामने में देखिए पूजा पंडाल, ये भी हैवी है, थीम नहीं पता चल रहा है कि क्या चीज़ का है वो फुलवारी ग्राउंड का थीम। यहाँ का पंडाल जो कि आप देख सकते हैं लगभग ये 90% रेडी हो चुका है, और कल या परसों शायद इसका ओपनिंग होगा। तो देखिए पूरा ये रेडी है पूरा ओपनिंग के लिए। बाकी इस साइड में देखिए, इधर में देखिए वाटर एक्टिविटी के लिए बनाया गया है। और सामने में देखिए इस टाइप का पूरा ग्राउंड यहाँ पे है पूरा पूजा पंडाल। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं रामगढ़ तरफ चलेंगे, वहाँ का दिखाएंगे। और यहाँ पे भी कलश नहीं उठाया, देखिए कलश उठने के लिए बाजा वगैरह बज रहा है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं भाग्य। आप लोग साइड में देखिए वाटर पार्क बनाया जाएगा, इधर देखिए बन रहा है, लेकिन दो दिन के बाद सब उखाड़ दिया जाता है सबको। तो फिलहाल गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं मसिहानी और रामगढ़, और मसिहानी का दुर्गा पूजा पंडाल और रामगढ़ का दुर्गा पूजा पंडाल वो भी काफी अच्छा होता है। पिछला बार हम लोग मसिहानी को ही कवर किया था, लेकिन अभी हम लोग चलेंगे रामगढ़ और मसिहानी को भी दिखाएंगे।
तो चलते हैं। और मसीहानी का जो दुर्गा पूजा पंडाल होता है वो आप लोगों के लिए दुर्गा पूजा के लिए फेमस है, लेकिन इस बार का क्या प्लान है अभी तो पता नहीं, अपन नवमी को पता चलेगा। फिलहाल चलते हैं और आप लोगों को पंडाल दिखाते हैं। अभी हम लोग हैं मसीहानी में, यहाँ का देखिए दुर्गा पूजा पंडाल बन गया है। और यहाँ पर भी देखिए आज कलश उठने वाला है, इसके चलते देखिए यहाँ पे भीड़ कितना ज्यादा है, सभी लोग आ गए हैं कलश के लिए। और इस साइड में देखिए, इधर भी देखिए भीड़ अभी लग रहा है धीरे धीरे। तो इस टाइप पे यहाँ देखिए पंडाल है और देखिए सभी लोग आ गए हैं कलश के लिए। अब हम लोग चलेंगे रामगढ़ में और वहाँ का आप लोगों को दिखाते हैं। यही है यहाँ का दुर्गा पूजा पंडाल जो कि आप देख सकते हैं। चलो अब रामगढ़ चलते हैं। हम लोग आए हैं रामगढ़ और यहाँ का कुछ इस टाइप का देखें एंट्री गेट बना हुआ है, अंदर चलते हैं, अंदर का आप लोगों को पंडाल दिखाते हैं। कुछ इस टाइप का यहाँ पे डेकोरेशन, बाकी चलते हैं अंदर, तो अंदर का देखते हैं क्या यहाँ पे कंडीशन है। यहाँ पे देखिए सामने में मंदिर और इधर में पंडाल बना हुआ है, चलिए चलते हैं। यहाँ पे बना हुआ है सेल्फी पॉइंट, इधर सेल्फी वगैरह ले सकते हैं, सेल्फी के लिए काफ़ी अच्छा बना हुआ है, नहा के आइएगा तो सेल्फी अगर वह ले सकते हैं। सामने में ये पंडाल है जो कि आप देख सकते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है। ये गाइस देखिए यही यहाँ का पंडाल है जो कि आप देख सकते हैं इसको, और इस साइड में भी बना हुआ है सेल्फी लेने के लिए और सामने में भी। यहाँ पे भी कुल मिला के ठीक ठाक डेकोरेशन है, मतलब उधर से, और ये एरिया जो है पूरा मतलब डेकोरेशन ही किया हुआ है, पूरा फोटो वगैरह लेने के लिए ही पूरा बनाया गया। देखिए क्योंकि आजकल लोग सेल्फी के दीवाने होते हैं, इसके चलते सेल्फी पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है। बाकी यहाँ का भी पंडाल मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, ठीक ठाक लग रहा है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पंडाल पे। फिलहाल का जब भी हम लोगों ने आप लोगों को जो मेन बाजार होता है उसको घुमा दिया, बारा का, मसीहानी और रामगढ़, ये अभी हम लोग चार कवर किए हैं, बाकी अभी हम लोग देखिए बाईपास में आए हुए हैं, तो बाईपास से भी चलेंगे इधर मसीहानी तरफ, और मसीहानी और जो ठाकुरबाड़ी मंदिर है खाटिन वगैरह का कवर करेंगे, तो ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा। बिरसा मुंडा समिति इसका ये पंडाल देखिए रेडी हो गया है और यहाँ पे भी कलश उठने वाला है अभी, तो चलिए थोड़ा सा नजदीक चलते हैं, चलिए इसको नजदीक से दिखाते हैं। बिरसा मुंडा समिति यहाँ पे ठीक ठाक लग रहा है। यह है पूरा पंडाल और इसमें भी देखिए सेल्फी पॉइंट बना हुआ है देखिए इधर में, और यहाँ पे अभी कलश अभी उठने वाला है कुछ देर में। तो फिलहाल का जब है खाटिन में, और यह है खाटिन का मेन गेट मतलब पंडाल का मेन गेट, और अंदर आप लोगों को चलिए दिखा रहे हैं कैसा यहाँ का पूजा पंडाल बना हुआ है। ये देखिए सामने में इस टाइप का इसका भी एरिया काफ़ी है, इतना में काफ़ी है। श्री श्री दुर्गा पूजा महोत्सव नव युवक संघ खाटिन, और ये यहाँ का पंडाल, पंडाल अभी ओपन नहीं हुआ है, यही यहाँ का पंडाल है। और इधर देखिए इस टाइप का है, ये है खाटिन का, यहाँ पे काली माँ का यहाँ पे प्रतिमा रखा जाता है, यहाँ पे देखिए हनुमान मंदिर है शायद, ये देखिए ये मंदिर है और यहाँ पे रखा जाता है, पूजा होता है यहाँ पे पूरा। यही यहाँ का है पंडाल जो कि आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पे कुछ बना हुआ नहीं है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ही बन रहा है। और ये हम लोग यहाँ से निकलेंगे बाहर, और अब हम लोग लास्ट डेस्टिनेशन हम लोगों का होगा ठाकुरबाड़ी मंदिर। ऐसे हम लोग बोले थे कि फर्स्ट में वहीं चलेंगे, लेकिन लास्ट हो गया हम लोगों को वहाँ जाने में। फर्स्ट अभी हम लोग आ गए हैं ठाकुरबाड़ी मंदिर में, ये हम लोगों को फर्स्ट में आना था लेकिन हम लोगों को लास्ट हो गया है, तो ये आप लोगों का एंट्री हो गया। बाहर में देखिए इस टाइप का आपको डेकोरेशन है, गेट भी बना हुआ है अच्छा, और अंदर का सीन आप लोगों को दिखाते हैं। ये है आप लोगों का एंट्री, ये मंदिर, और ये है आप लोगों का मेन पंडाल जो कि आप लोग देख सकते हैं। पंडाल आप लोगों को दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे, ये भी अभी थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, ये भी बन रहा है अभी, ये भी ठीक ठाक लग रहा है। और इस साइड में पूरा ठीक किया हुआ है, सामने में वहाँ पे देखिए माँ दुर्गा यहाँ पे दिख जाएंगे आप लोगों को सामने में माता जी। और ये पंडाल भी काफ़ी अच्छा होता है जो कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इंटीरियर भी देख सकते हैं। और इधर देखिए इस साइड में देखिए पूरा अभी डेकोरेशन वगैरह होगा तो काफ़ी अच्छा ये दिखेगा, और रात में काफ़ी अच्छा ये लगता है। बाकी आप लोग देख लीजिए यहाँ का कैसा अभी पंडाल है, और बाहर से आप लोगों को पंडाल अच्छा से आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोगों का आउट अब हम लोग यहाँ से हो जाते हैं, ये हम लोगों का शायद था लास्ट पंडाल।
तो फिलहाल का जिस ब्लॉग को हम लोग करेंगे यहीं पे एंड, ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। और सबसे अच्छा पंडाल की बात किया जाए तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा पंडाल जो है जो बाजार पर का है वो मेरे को काफी अच्छा लगा। पंडाल का डिजाइन और क्या बोलते हैं सजावट वगैरह काफी अच्छा लगा। वैसे सारे पंडाल अच्छे हैं, जितने भी पंडाल बने सारे अच्छे हैं, लेकिन वो पंडाल मेरे को सबसे अच्छा लगा। अगर मेरे को रैंक देना होगा कि छतरपुर का सबसे बेस्ट पंडाल कौन है तो मैं इसी को रैंक नंबर वन इसी को बोलूंगा। बाकी आप लोगों को क्या रहा है आप लोग जरूर बताइएगा। और लगभग गाइस मैंने आप लोगों को पूरा छतरपुर का दुर्गा पूजा पंडाल घुमा दिया कि हमारे यहाँ का जो दुर्गा पूजा इस बार का कैसा मनाया जा रहा है। फिलहाल गाइस इस ब्लॉग को हम लोग करेंगे इन, ब्लॉग कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई क्वेरी होगा कमेंट कीजिएगा। तो गाइस फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।